मैं कह दूंगा खुदा को तू है मेरी बस मेरी, नशा मुझको है तेरा तू ही मरहम है मेरी, तेरी आँखों में मेरी एक सुबह किया।
मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैंने कहा कि मैंने चेंज किया था, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो मैंने लाइट बंद कर दी थी और दूसरा मैंने ग्लव्स पहन के चेंज किया था। और मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ, तुम बहुत ही बड़े धोखेबाज हो। ओ तो तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। जब कर ही लिया है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का। क्या हो गया, ऐसे भाग क्यों गई? और वैसे भी तुम तो मुझे झूठा ही समझती हो ना। ठीक है चलो मैं झूठी बोल रहा हूँ, अब फिर से करने में क्या ही हर्ज है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम पे भरोसा किया, एक बार और चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन अब की बार अगर तुम्हारा नाम आया तो मैं जान जाऊंगी कि तुम बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो। डोंट वरी, अब की बार मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि कोई भी अगर शामिल है तो उसे पता नहीं चलेगा। और हाँ एक बात ध्यान में रखो, अगर अब की बार मेरा नाम नहीं आया और ये झूठी रिपोर्ट निकली तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी, ठीक है? ओके फाइन, मैं मानती हूँ अगर मैं झूठी निकली तो मैं तुमसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन अगर उसमें तुम्हारा नाम आया तो फिर देख लेना। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये सब झूठ है तो तुम्हें वोमिटिंग और चक्कर क्यों आते हैं? मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सच में मुझे बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग और चक्कर आते हैं। ओके तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा चेकअप करवाने। वैसे भी मेरे पास तुम्हारे ब्लड सैंपल्स हैं, आई होप कि अब की बार सब कुछ सही निकले। यू आर राइट, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओके फाइन, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पूरे 10,000 रुपए चाहिए। पैसों की टेंशन तुम मत करो, वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जितना कहा है उतना होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब से आपको क्या मिलेगा? मैंने जितना काम दिया है बस उस पर फोकस करो। और हाँ, मेरा काम अगर ठीक से नहीं हुआ ना तो तुम नहीं बचने वाले। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करिए, ठीक है मैं कर दूंगा आपका काम। ओके मिस्टर जॉन आते ही होंगे, अब मुझे चलना चाहिए। ओके फाइन जाओ, लेकिन मेरा काम ध्यान से करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ समझ गया, रिपोर्ट पे जॉन जंगबुक सर का ही नाम आएगा। बस अब मैं जाऊँ। तुम चाहे जिस भी डॉक्टर से चेकअप करवा लो जॉन जंगबुक, जो मैंने सोचा है वही तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। डॉक्टर हाय, माय नेम इज जॉन जंगबुक और मैंने फोन पर आपसे बात की है ना, वही। और मैं ब्लड सैंपल्स लेकर आया हूँ, इसको ले लीजिए और इसकी रिपोर्ट दे दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन, मैं ये काम बखूबी निभाऊंगा। ओके तो आपको 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए, चाहे तो आप बाहर वेट कर सकते हैं। अब डॉक्टर मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं वेट कर सकूं। कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे के बाद वापस आ जाऊंगा और ये रिपोर्ट लेकर चला जाऊंगा। ओके ओके जैसी आपकी मर्जी। ओके तो आप जाइए, मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। सिस्टर यहाँ आइए। यस डॉक्टर, बोलिए क्या काम है? देखो इस ब्लड सैंपल को अंदर लेकर जाओ और एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें जॉन जंगू का नाम लिख देना। बट डॉक्टर ये तो गलत है, अब हम लोग चेकअप करेंगे तो जिसका नाम आएगा उसका नाम लिखेंगे ना, जरूरी थोड़ी ना है कि जॉन जंगू सर का ही नाम आए। मैंने जितना कहा तुमसे बस उस पे ध्यान दो, और ज्यादा है तो ये नौकरी छोड़ दो। नो आई एम सॉरी सर, मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ रिपोर्ट। तुम काफी परेशान लग रहे हो, तुम उस ब्लड सैंपल्स को दे आए? हाँ मैं दे आया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्या सब कुछ सही निकलेगा, क्योंकि मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। अच्छा जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? और गलत मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? फिर उसके बाद जंगकुक को सारी बात बता देता है जो भी उसके और जिमिन के बीच में हुई। ओह तो ऐसी बात है, ओके तो कोई बात नहीं, तुम चेकअप करवाओ, देखे ना सब कुछ सही निकलेगा, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो सब सही रहेगा। आपने सही कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ऐसा लगता है कि वो मेरी रिपोर्ट ही बदल देता है। ये तुम क्या बोल रहे हो, कोई ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी तुम्हारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है जो तुमसे कोई दुश्मनी लेगा। आपने सही कहा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा घर का ही है, क्योंकि जब भी मैं कोई चेकअप करवाने जाता हूँ उसे कैसे पता चल जाता है। और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, कोई ऐसा क्यों करेगा भला, और वैसे भी उसे ऐसा करके मिलेगा क्या? हाँ आपकी बात सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारा और जिमिन का रिश्ता खराब करना चाहता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और शक के मुताबिक कुछ भी पैसा नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई है, देखो तुमने जब किसी से दुश्मनी मोल ली नहीं है तो कोई तुमसे दुश्मनी क्यों निकालेगा। ओके भाभी मैंने वैसे ही आपका टाइम वेस्ट कर दिया ना, आई एम सॉरी। एंड हाँ अभी 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन है इसके पीछे। हाँ क्यों नहीं, पता चल ही जाएगा, और वैसे भी अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो रिपोर्ट सही आएगी। ओके तो मैं अब काम करने जा रही हूँ, बाय।
चलो, 1 घंटा होने ही वाला है। अभी मैं चला जाऊंगा, उसके बाद रिपोर्ट लेकर आऊंगा। पता नहीं क्या आएगा। डॉक्टर, रिपोर्ट आ गई ना? अब दिखाइए ना क्या लिखा है। हाँ, क्यों नहीं मिस्टर जॉन, लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। फिर जंकुक उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है तो उसमें फिर से जंकुक का नाम लिखा हुआ था। डॉक्टर, ये रिपोर्ट गलत है, आप फिर से चेकअप कीजिए ना। देखिए, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर जॉन, मैं गलत रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? और वैसे भी मैंने इसको बहुत जांच करके तभी रिपोर्ट बनाई है। प्लीज ये मत कहिए कि ये गलत है, ये सच है। अरे पर ये, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, आपने ये गलत किया, जब उनका नाम आया ही नहीं था तो आपने उनका नाम क्यों लिखा? आप तो डॉक्टर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपना काम करो, और हाँ, मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने किसी को बताया तो तुम बचोगी नहीं। नहीं, मैं गलत नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरी नौकरी जाती है तो जाने दो, लेकिन वो काफी सैड लग रहे थे, इसका मतलब कोई तो बात है, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। इतना बोलकर वो नर्स जंकुक के पास भागते हुए चली जाती है और उसे रोक लेती है। सर, मुझे आपको कुछ बताना है, और ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप मेरे साथ बाहर चलोगे? वहाँ पर मैं बता सकूंगी, यहाँ पर नहीं। देखिए सिस्टर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। बट सर, ये बात आपकी रिपोर्ट के बारे में है, प्लीज आप तो चलिए। क्या कहा? रिपोर्ट के बारे में? ठीक है चलो। फिर उसके बाद वो नर्स जंकुक को हॉस्पिटल के बाहर लेकर आती है और उसको बताती है। देखिए सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो रिपोर्ट है ये गलत है, और इस रिपोर्ट पे आपका नाम नहीं आया था। तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि ये रिपोर्ट सही है और इसमें मेरा ही नाम आया है, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि डॉक्टर ने जानबूझकर इस रिपोर्ट पे आपका नाम लिखवाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। What the hell, हाँ? इस डॉक्टर की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे गलत रिपोर्ट दी, ये तो नहीं बचने वाला। देखिए सर, प्लीज इसे मेरा नाम मत लीजिएगा, बिकॉज ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वो मेरी जॉब ले लेंगे, और मेरी एक लौटी जॉब है और मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। आई एम सॉरी सर, बट प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। ओके, डोंट वरी, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर जंकुक वापस से उस डॉक्टर के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे जमीन पे गिरा देता है। मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा, बस एक सवाल है, उसका जवाब दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज मेरा कॉलर छोड़िए। तूने ये सब किसके कहने पर किया? हाँ, और हाँ, तूने जितने पैसे लिए ना उसके डबल दूंगा, लेकिन ये बता दे कि तूने ये सब क्यों किया। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। अब वो एक्चुअली इस काम के लिए मुझे 10,000 रुपए मिले थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, और मुझे सच में नहीं पता कि किसने कहा था, उसने मुझे मास्क लगाया हुआ था तो मुझे नहीं पता है। मुझे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, जो भी सच है सब बताओ। मम्मी कसम, मुझे सच में उसका चेहरा नहीं पता है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था और वो मुझसे ऐसे ही बात कर रहा था, मुझे नहीं पता। और जितना भी पता था मैंने आपको बता दिया, मैंने उसे पूछा भी था कि इससे उसे क्या फायदा है, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूं, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। आई एम सॉरी। ओके फाइन, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा मत करना। कुछ पैसों के लिए तुम लोगों की फीलिंग से खेल जाते हो। हाँ, पता नहीं कोई किस रीजन से चेकअप करवा रहा है, लेकिन तुम उसे गलत रिपोर्ट कैसे दे सकते हो, वो भी किसी और के कहने पर। आज के बाद ऐसा मत करना, वरना तुम पुलिस के पास जाओगे। अब ओके सॉरी सर, आज के बाद नहीं होगा। उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है, वो घर आता है, वो सीधे जिमिन को आकर हक कर लेता है। देखो ये बात हम लोग किसी से नहीं बताएंगे।
इनफैक्ट पूरी फैमिली से नहीं बताएंगे, और तुम भी ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि कोई है जो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले जो मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया था वो भी ठीक था, लेकिन किसी ने रिपोर्ट बदलवा दी थी, और इस डॉक्टर से भी उसने रिपोर्ट बदलवाई थी, लेकिन यहाँ की नर्स ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसीलिए तो मैंने पता लगाया। फिर मुझे पता चला कि कोई है जो हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है, पर ऐसा कौन कर सकता है और वो ऐसा क्यों करेगा? आई डोंट नो, बट हाँ प्लीज ये बात किसी से मत कहना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का ही कोई है, क्योंकि जो भी बात होती है उसे कैसे पता चल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी से मत बताना, क्योंकि किसी पे भी भरोसा करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोगों को पता चल गया है कि इसके पीछे कोई है, और हाँ जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और हाँ तुम्हें बस एक्टिंग करनी होगी। ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन एक बार ये बात पता चल जाए कि ऐसा कौन है जो हमारा दुश्मन बना बैठा है।